नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं करुण सेठ आपसे स्वागत करता हूँ आपकी चैनल जी टेक की एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो हम लेकर आ गए आप लोगों के लिए पोको एफ सिक्स का फर्स्ट रिटेल यूनिट, जो कि आपको सेल हमारे पास आ चुका है। तो आज हम करेंगे इसके अनबॉक्सिंग और देखेंगे इसके बॉक्स में क्या क्या चीजें मिलती है, डिवाइस कैसा है, पूरा रिव्यू आप लोगों को देंगे सारी चीजों का। और साथ ही साथ इस वीडियो में एक सरप्राइज भी, सरप्राइज मैं आप लोगों को बता दूँ, आज हम पोको एफ सिक्स के वीडियो में करने जा रहे हैं जीवन में। तो आप देख सकते हैं जीवन का प्रोडक्ट और जीवन में आप लोगों को कैसे पार्टिसिपेट करना है वो मैं अभी आगे आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरी देखिएगा ताकि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप जीवन में पार्टिसिपेट करने का जो तरीका है तो आप लोगों को पता चल सके। और वीडियो को आगे बढ़ने से पहले लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपने दोस्तों फैमिली मेम्बर के साथ हमारे वीडियो को शेयर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो जैसा कि गाइज आप लोग देख रहे हैं, ये रहा पोको F6 5G का रिटेल बॉक्स, जो कि आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है। ऊपर आप लोगों को वही सेम ब्लैक एंड येलो कलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, पोको F6 5G लिखा हुआ। पीछे इसकी जो मेन स्पेसिफिकेशंस है वो सारी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जैसे कि ये 4-5-6 चीज़ें हैं, लाइक फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 प्रोसेसर इसमें देखने को मिलेगा, 50MP सोनी OIS EIS डुअल कैमरा है, 90W टर्बो चार्जिंग है, 1.5K 120Hz AMOLED डिस्प्ले, IP64 रेटिंग, डॉल्बी एटमॉस इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, साथ में टाइटेनियम कलर जो हमारे पास अवेलेबल है, 12GB 512GB वाला वेरिएंट, जो कि ये सबसे हाईएस्ट जो वेरिएंट है वो अवेलेबल है इंडिया में। तो चलिए इसको कर लेते हैं ओपन और बॉक्स के अंदर देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती है। तो वही बॉक्स के अंदर ओपन करते ही एक और छोटा सा बॉक्स मिलेगा, जिसपे आप लोगों को एक छोटी सी पोको की ब्रांडिंग मिलेगी, एक सिम इंजेक्शन पिन देखने को मिलेगी यहाँ पे, एक ये यूज़र मैनुअल देखने को मिलेगा जो कि पढ़ता कोई नहीं है, अब इसको साइड में रख देते हैं। साथ में एक ये कवर देखने को मिलेगा इसका, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कवर है। आजकल जो है हर ब्रांड जो है अच्छे क्वालिटी के कवर निकाल रहा है, ट्रांसपेरेंट वाले कवर ऑलमोस्ट बंद हो गए हैं, क्योंकि मैं पोको X6 प्रो में भी यही कवर यूज़ कर रहा हूँ जो कंपनी के साथ आ रखा है। तो क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी है इन कवर्स की, आप लोग देख सकते हैं ब्लैक कलर और मैट फिनिश में आप लोगों को देखने को मिलेगा इन बॉक्स। तो ये रहा हमारा मेन डिवाइस, देख सकते हैं आप लोग टाइटेनियम कलर, मतलब इसमें कोई भी ऐसा वो नहीं रखा टाइटेनियम सिल्वर या टाइटेनियम गोल्ड, सिंपल बस टाइटेनियम कलर इसका नाम दिया गया है। तो चलिए जल्दी से जो है इसको भी हम हटा देते हैं और हटा के देख लेते हैं। सबसे पहले हमें इसमें एक ये टाइप सी वायर मिल जाती है जो कि वाइट कलर की है, टाइप टू टू टाइप सी कनेक्शन के लिए। फिर उसके बाद हमें एक ये चार्जर देखने को मिलता है, जो कि 120W का चार्जर इन बॉक्स आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि 90W अभी बॉक्स में नहीं है, बट ये जो फ़ोन है वो 90W का जो चार्जिंग है वो सपोर्ट करता है। तो 120W आप लोगों को इन बॉक्स इस फ़ोन के साथ देखने को मिलेगा, 90W ही ये अपना चार्ज मतलब अपने अकॉर्डिंग ये जो फ़ोन है अपने आप को चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। तो यही सारी चीज़ें है बॉक्स के अंदर। तो अब हम आ जाते हैं हमारे जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के ऊपर आएंगे, इसकी आप लोगों को सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे। ऑन कर लेते हैं सबसे पहले तो इसे, बट हमारा एक कॉन्टेस्ट भी चल रहा है तो उसके लिए भी आप लोग ज़रा ध्यान रखिए। जैसा कि गाइस मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था आप लोगों को कि हम करने वाले गिवअवे, तो गिवअवे है कॉमिक बाइट का एक बहुत ही प्यारा सा हेडफोन। तो मैं पहले आप लोगों को इसकी कंडीशन दिखा दूं, तो आप देखेंगे इसकी कंडीशन
देखिए एकदम ब्रांड न्यू आप लोगों को मिलेगा। तो इसका करने वाले जियो है, और साथ ही साथ आप लोग इसको अपने 3.5 mm जैसे किसी भी डिवाइस के साथ आप लोग इसे कनेक्ट कर सकते हैं, लैपटॉप के साथ, कंप्यूटर के साथ, अपने मोबाइल के साथ। तो और यहाँ से आप लोग बात भी कर सकते हैं, इसलिए माइक दे रखा है यहाँ पे बात करने के लिए। तो इसको करने वाले हम जियो में, तो जियो में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करना है आप लोगों को, इस वीडियो को पूरी देखिए, और मैंने ये जो अभी जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये कहाँ से लेकर कहाँ तक मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को बताया है, तो वो आप लोगों को बताना। लाइक जैसे मैंने 2 मिनट पे स्टार्ट किया और 3 मिनट पे मैंने खत्म किया, तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आपने 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर इस प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को आपने बताया जीवी के बारे में। तो रेंडमली हम लोग सेलेक्ट करेंगे, जितने ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट्स होंगे उतना ज़्यादा हमें ही मज़ा आएगा। कुछ हज़ार व्यूज और कुछ कमेंट्स से हमें भी मज़ा नहीं आता, तो जल्दी से जाइए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी ये जीतने का मौका मिले। और अब जो आने वाली कुछ वीडियोज है उसमें मोस्टली हर वीडियो में हम जियो करने का आप लोगों को सरप्राइज रखेंगे। तो जल्दी से जाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैंने कहाँ से कहाँ तक आप लोगों को इसके बारे में बताया। तो आप देखिए गाइस, मेरे पास जो है टाइटेनियम कलर अवेलेबल है, इसमें 3 कलर अवेलेबल है, एक तो टाइटेनियम सिल्वर, एक गोल्ड और एक ब्लैक कलर। मेरे पास अभी सिल्वर कलर का है, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे लिखा है पोको, यहाँ पे लिखा है 50 mp OIS, तो 50 mp का सोनी सेंसर का आप लोगों को कैमरा मिलेगा, और इसका 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा। यहाँ पे आप लोगों को फ्लैश लाइट दिखेगी जो कि रिंग में बना रखी है बट जलेगी आप लोगों की दो साइड से, और यहाँ पे बीच में कुछ नहीं है, यहाँ पे हॉलो है। आप लोग डिज़ाइन देखेंगे तो हल्का सा जो है बैग जो है हल्का सा सॉफ्ट है, और फील काफ़ी अच्छी है, एकदम लाइट वेट है। यहाँ पे भी आप लोग देखेंगे तो एकदम मैट फिनिश आप लोगों को देखने को मिलनी है। यहाँ पे पावर कीज है और वॉल्यूम की है। नीचे की साइड आप लोगों को सिम ट्रे मिलेगी, एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिलेगा, एक आप लोगों को डॉल्बी विजन का स्पीकर देखने को मिलेगा। ऊपर की साइड भी आप लोगों को एक स्पीकर मिलेगा, यहाँ पे IR ब्लास्टर देखने को मिलेगा। इस साइड पर आप लोगों को एकदम स्मूथ सरफेस देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे लुक लग रहा है मैट फिनिश में। फीचर लुक आप देख सकते हैं, थोड़ा सा हम शाइनिंग लुक भी लेके जाएंगे तो भी सेम वैसे ही रहेगा, और इसमें मैट और थोड़ा सा जो है ग्लॉसी का मिक्सचर है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। फ्लैश लाइट में आप लोगों को इसमें जला के दिखाते हैं, सॉरी अभी फ़ोन बंद है, बट जब तक फ़ोन ऑन हो रहा है मैं आप लोगों को बता दूँ, इसमें जो फ्रंट का कैमरा है वो है 20 MP का कैमरा, पोको पावर्ड बाई एंड्रॉयड। इसकी जो स्क्रीन का जो साइज है वो भी मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें आप लोगों को मिलेगा 120 Hz का 1.5K एमोलेड डिस्प्ले, जो कि आप लोगों का 1.5K एमोलेड डिस्प्ले है। 94.2% स्क्रीन ऑफ बॉडी 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 रेशियो आप लोगों को इसमें देखने को मिला, मतलब एकदम कम से कम जो है आप लोगों को चारों तरफ से बेजल्स देखने को मिलेंगे। आप थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को एकदम कम से कम बेजल्स देखने को मिलेंगे। साथ में इसमें 2160 Hz की टच सैम्पलिंग रेट आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगा। डॉल्बी विजन मैंने आपको बता ही दिया है, 24 नेट की पीक ब्राइटनेस है इसमें, 68.78 बिलियन कलर्स का कॉम्बिनेशन है इसके स्क्रीन में। साथ में HDR10+ दे रखा है, तो मतलब डाइव इनटू डिवाइन, इसका जो स्क्रीन का एक जो मोटो दे रखा है वो ये दे रखा है कंपनी ने। चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं इसकी सेटिंग में, तो सेटिंग में चल के आप लोगों को दिखा देते हैं कि आप लोगों को इसको सबसे पहले Xiaomi हाइपर OS 1.0.2.0 आप लोगों को देखने को मिलेगा। पोको F6 512 GB वाला वर्जन है। अभी ये जो 16 GB दिखा रखा है, 16 GB कैसे है वो भी मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। तो डिटेल इन्फो में जाते हैं, तो इसमें आप लोगों को जो है प्रोसेसर देखने को मिलेगा, वो मिलेगा आप लोगों को
स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 जो कि अभी तक का लेटेस्ट चिपसेट है पोको ने, सबसे जो पहला डिवाइस है ये पोको F6 इसमें इसको निकाला है, जबकि पोको F1 भी स्नैपड्रैगन का सबसे पहला जो 8 सीरीज का जो प्रोसेसर था वो लेके आया था पोको F1, उस टाइम पे भी हम थे, उस टाइम पे लॉन्च इवेंट पे भी और इस बार के लॉन्च इवेंट पे भी थे, क्योंकि स्नैपड्रैगन 8S Gen बराबर है 8 Gen 3 के, जिसमें ISP आर्किटेक्चर, मेमोरी आर्किटेक्चर, डिस्प्ले आर्किटेक्चर और मॉडर्न आर्किटेक्चर दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। 12GB प्लस 6GB हमारा जो इसमें वर्चुअल रैम है, इसलिए आप लोगों को 12 और 18GB बाहर दिखाई दे रहा था। 3.5GHz का प्रोसेसर है, एंड्रॉयड वर्जन 14 आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि 1/3/2024 का अपडेटेड है। साथ में इसकी कुछ और चीजें मैं आप लोगों को बता दूं, 4.4 nm सर्टिफिकेटन प्रोसेसर है ये, और 1.5 million+ एंटूटू स्कोर F6 जो डिवाइस है उसको मिला हुआ है। इसका F6 प्रो भी लॉन्च हुआ है लेकिन वो इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, और डिस्प्ले आप देखेंगे तो डिस्प्ले काफी स्मूथ है, 120Hz के इसमें रिफ्रेश रेट है एंड 480Hz की जो है टच सैम्पलिंग रेट रेट आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगी। साथ में इसका जो कैमरा है, कैमरा सेंसर, कैमरे में आपको OIS प्लस EIS दोनों सपोर्ट इसमें देखने को मिलेगा। लाइक अगर आप बाहर से वीडियो बना रहे हो तो आपकी वीडियो बिल्कुल भी शेकीनेस नहीं होगी, आपकी वीडियो एकदम स्मूथ बनने वाली है। साथ में कैमरा क्वालिटी भी काफी अच्छी है, 90W का इसमें टर्बो चार्जिंग सपोर्ट दे रखा है, लेकिन 90W का जो चार्जर है वो इनबॉक्स आप लोगों को नहीं मिलेगा क्योंकि ये फर्स्ट डिवाइस है जो 90W को सपोर्ट करता है, आप लोगों को बॉक्स में मिलेगा 120Hz का चार्जर, जैसे कि हमने स्टार्टिंग की वीडियो में आप लोगों को बॉक्स का पूरी चीज दिखाई थी, क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी बॉक्स के अंदर। 5000mAh की आप लोगों को इसमें बिग बैटरी देखने को मिलेगी, जिसमें आप लोगों को एक और फीचर है जो कि आईसी लूप सिस्टम जो कि पोको ने इसमें कहा है, जो आपके डिवाइस को किसी भी तरीके से अगर आप गेम खेल रहे हैं, कुछ हैवी वर्क भी कर रहे हैं, तो आपके फोन को कूल रखेगा, ठंडा रखेगा, ज्यादा जल्दी गर्म होने नहीं देगा। साथ में इसमें LPDDR5X रैम देखने को मिलेगी और UFS 4.0 आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि आपका कोई सा भी डाटा है एक फोन से दूसरे फोन में या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में आप लोगों को ट्रांसफर करना है तो झटपट ट्रांसफर होगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। और इसमें जो है दो वेरिएंट आते हैं, एक 256GB वाला है 8GB 256GB और एक है 12GB 512GB वाला, तो 8GB 256GB आप लोगों को 30,000 रुपये का मिलेगा और 12 512GB वाला आपको मिलेगा 34,000 रुपये का, जिस पर कुछ कार्ड ऑफर वगैरह एक्सचेंज ऑफर वगैरह भी लगे हुए हैं, तो आप लोग जाइए फ्लिपकार्ट और फ्लिपकार्ट पर जाके आप लोग सब देख सकते हैं। हम जो है इसका कैमरा सैंपल, वीडियो सैंपल, ये भी एक अलग से वीडियो आप लोगों के लिए बना के लेके आएंगे और तब आप देखिएगा, और साथ में हम लोग कंपैरिजन लेके आएंगे पोको X6 Pro और पोको F6 का, जिसमें जो कि दोनों ही लेटेस्ट डिवाइस है पोको के। पोको X6 अभी कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हुआ था, पोको X6 अब लॉन्च हुआ है, तो दोनों के भी कैमरा क्वालिटी चेक करेंगे, प्रोसेसर का क्वालिटी चेक करेंगे, स्पीड चेक करेंगे तो कैसी होने वाली है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारा जो गिव अवे चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट लेना ना भूलें। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए।